क्या ताकत दिखाना चाहते हो? मैंने कल भी कहा था मीडिया पर, आज भी कह रहा हूं, अगर हम भी थोड़ा सा कानून को न माने कुछ पल के लिए, तो वो जितने भी गुंडे हैं यहां से एक भी जिंदा नहीं जा सकेगा, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। लेकिन हमने आज तक न कानून तोड़ा है, न कानून तोड़ेंगे। शांति बनाए रखी है, अनुशासन बनाए रखा है, और जब तक जीतेंगे अनुशासन बनाए रखेंगे। इसलिए जो कल हुआ, ये सारे साथी, सबसे पहला धन्यवाद आदरणीय टिकैत साहब को, और दूसरा धन्यवाद प्रशासन को जिन्होंने ये गुंडागर्दी की। अगर वो ये नहीं करते तो आज इतने सारे लोग यहाँ होते नहीं। देखिए, एक खतरनाक स्थिति थी, और खतरनाक इसलिए थी कि जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे, उनके जो एमएलए लेके आए थे, उस समय कुछ भी हो सकता था। हालांकि ये सबसे ज्यादा गैर कानूनी और असंवैधानिक है कि एक विधायक अपनी पार्टी के गुंडों को लेकर आए, और वो भी उस समय जिस समय पूरी पुलिस फोर्स करी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हो, शासन प्रशासन के खतरनाक स्थिति उस समय, जिस समय मेरठ रेंज के डीआईजी आईजी हो, डीएम भी यहां पर हो, एसएसपी भी हो, और सारे इतने सीनियर अधिकारी, और उनके सामने पार्टी के गुंडे आए और एमएलए लेके आए, क्या ताकत दिखाना चाहते हो? मैंने कल भी कहा था मीडिया पर, आज भी कह रहा हूं, अगर हम भी थोड़ा सा कानून को न माने कुछ पल के लिए, तो वो जितने भी गुंडे हैं यहां से एक भी जिंदा नहीं जा सकेगा, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। लेकिन हमने आज तक न कानून तोड़ा है, न कानून तोड़ेंगे। शांति बनाए रखी है, अनुशासन बनाए रखा है, और जब तक जीतेंगे अनुशासन बनाए रखेंगे। इसलिए जो कल हुआ, ये सारे साथी, सबसे पहला धन्यवाद आदरणीय टिकैत साहब को, और दूसरा धन्यवाद प्रशासन को जिन्होंने ये गुंडागर्दी की। अगर वो ये नहीं करते तो आज इतने सारे लोग यहां होते नहीं। देखिए, एक जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, वोमकेशन बनर्जी बहुत बड़े नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति में बुरे शासक कई बार इतनी ऊर्जा पैदा कर देते हैं जितनी 100 साल के आंदोलन से भी होती नहीं है। तो धन्यवाद शासन प्रशासन का, उस विधायक का, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों का, उनकी वजह से आज जनसैलाब यहां है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, तुम्हारे कुर्ते में इतना दम नहीं है कि तुम किसान को झुका सको। ये आंदोलन अब आने के बाद जितने भी आगे समय चलेगा, जन आंदोलन बन चुका है और बड़ा जन आंदोलन बनेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मोदी सरकार की सत्ता इस आंधी में पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, यह हमारा है। इसलिए साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आज हो, इस समय आगे भी इसी तरह से बनाए रखना पूरी मजबूती से, और डरना नहीं है किसी से भी। कोई कितनी एफआईआर करे, अभी तो 33 एफआईआर करिए, मैं तो कह रहा हूँ 3300 एफआईआर करो ना, 33,000 एफआईआर करो ना, हर व्यक्ति पर एक एफआईआर करो। फिर भी अगर तुम किसी का बाल बांका कर जाओ तो मैं वकालत छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी ईमानदारी से जो भी हमारा नेतृत्व है, जैसा हमें गाइड करता है, हमें उसी तरह से चलना है, आगे बढ़ना है और जीत हासिल करनी है। क्योंकि ये हमारी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। साथियों, हर पल हम आपके साथ में खड़े हैं। कल भी कहा था, फिर कहता हूँ, सरकार के पास इतने वकील नहीं होंगे जितने किसान आंदोलन के पास में वकील हैं आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया।